दोस्तों निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज रियल एस्टेट से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो 2018 से कोई भी रिटर्न नहीं दिया, लगभग टॉप से 30% डाउन है, उसमें ज़्यादा कोई करेक्शन नहीं है, मेजर सपोर्ट से रिवर्स हुआ था, एक ट्रेंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। बिजनेस मॉडल का नाम है सनटेक रियलिटी। उसके बिजनेस मॉडल फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। उससे पहले दीपक नाइट्राइड, क्लीन साइंस, वोल्टाज और डीमार्ट के बारे में डिस्कस किया। आप इस स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो, लर्निंग कर सकते हो कि किस तरह से अपने को काम करना चाहिए। चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये देखिए सनटेक रियलिटी का वीकली मंथली टाइम फ्रेम चार्ट है। इसमें अपन देखेंगे कि ये बहुत ही पुरानी, वैसे पुरानी कंपनी है, 2014 की बात है। उसके बाद में आप देख सकते हो कि इस 14 के पहले की है, 2009 की बात है। 2009 में एक डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद में आप देख एक अच्छा मूवमेंट आया और उसी रेंज के पास में ट्रेड कर रहा है, कोई अच्छा रिटर्न नहीं दिया इसने। अब देखिए डाउन ट्रेंड अभी जो प्रेजेंट टाइम में ट्रेड कर रहा है, कोई डाउन ट्रेंड नहीं है, वो एक कह सकते हो साइडवेज कंसोलिडेट फेज बोल सकते हो। एक सपोर्ट लिया था, उस सपोर्ट का ट्रेड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस का उसने ट्रेंगल पैटर्न के टाइप में ट्रेड कर रहा है, तो उसको अपन डाउन ट्रेंड नहीं बोलेंगे, कंसोलिडेट फेज बोलेंगे। तो हम जानते हैं किस तरह से, पहले देखिए डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड और साइडवेज किस तरह से होते हैं वो हमें पता है। जैसे डाउन ट्रेंड में, इसमें डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनते हैं, अप ट्रेंड में जानेंगे तो इसमें हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनते हैं, और तीसरा होता है साइडवेज कंसोलिडेट फेज, जो इस तरह से साइडवेज कंसोलिडेट फेज इस तरह से चलता है। तो ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड और साइडवेज का सिस्टम हुआ। अब बात करते हैं, देखिए डाउन अप ट्रेंड इसमें इसमें ट्रेंगल पैटर्न के अंदर किस तरह से ट्रेड कर रहा है। एक हम जोन बना देते हैं, पहले यहाँ पर जोन बना देते हैं। एक चीज़ देखिए, ये जोन है यहाँ से, ठीक है। अब इसमें नीचे की तरफ हम ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं कि किस तरह से इसकी ट्रेड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। ये देखिए ट्रेड लाइन का एग्जैक्ट अपने को जोन टाइप जोन बनाना होगा। जोन बनाने से क्या है, इस तरह का देखिए इस ट्रेंगल पैटर्न के अंदर वो ट्रेड कर रहा है और आगे जाके ये ट्रेंगल पैटर्न मिल गया है। तो इस ट्रेंगल पैटर्न का देखिए ऊपर की ट्रेड लाइन को, इसको बार बार रेजिस्टेंस मिला है, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला है, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला, और नीचे की ट्रेड लाइन को पहले यहाँ सपोर्ट मिला, फिर वापस यहाँ सपोर्ट मिला, फिर यहाँ पर सपोर्ट मिला। अब अगर इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इस पर आना चाहिए। अगर इस पर नहीं आता है तो कुछ नहीं करना है, अगर नहीं आता है तो अपने को बाइंग नहीं करना है। इस लेवल पर आके कोई बाइंग टीआरसीपी दे तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं, और अपना टारगेट रहेगा इस ट्रेंगल पैटर्न का। एग्जैक्ट नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत बाद ऊपर नीचे भी हो सकता है, उसको भी स्टॉप लॉस को ट्रेल करके किस तरह से अपन देख सकते हैं। तो इस तरह से देखना अपने को, देखिए यहाँ पर क्या बुली सरामी पैटर्न बनाया, यहाँ पर मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन और बुली सरामी पैटर्न भी बनाया। इस तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ भी कोई बाइंग टीआरसी मिले तब इसमें बाइंग कर सकते हैं, नहीं तो इसमें अभी प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो प्रेजेंट टाइम में नहीं है। यहाँ पर एक पहले रेजिस्टेंस था लेकिन वो एक अच्छा नहीं रहेगा, रिस्क रिवार्ड रेशियो इसी लेवल पे बना रहेगा। फिर अपन आगे डिस्कस करेंगे, थोड़ा सी इसका बिजनेस मॉडल देख लेते हैं किस तरह का ये बिजनेस मॉडल काम है इसका। ये अगर रियल इस्टेट से हैं तो ये प्रोजेक्ट का, मैंने मतलब कि कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन की बात करिए तो रेसिडेंटल, कॉमर्शियल और रियल इस्टेट रिटेल से रिलेटेड है। ये प्रोजेक्ट मतलब कि ज़मीन को बाय करते हैं और फिर बाद में, ये बॉम्बे बेस्ड है। और दूसरा हमने पहले एक बार डिस्कस किया था इंडिया बुल हाउस, वो NCR में भी था, वडोदरा में था, अहमदाबाद में, इंडिया में सब जगह, मतलब सब जगह सिटी में था, मेट्रो सिटी में। लेकिन इसकी बात की जाए तो ये केवल मेट्रो सिटी बॉम्बे में है। इसमें अपन कौन कौन से प्रोजेक्ट है उसका भी आप देख सकते हो, रेसिडेंटल इसमें कमर्शियल और रिटेल वाला है, तो इसमें जाके देख सकते हो। इसमें टोटल स्क्वायर फीट और डेवलपमेंट इतना कर दिया, नंबर टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट 32 इसमें प्रोजेक्ट इस कंप्लीट हो गए हैं। हैप्पी मतलब 10,000 के लगभग इसमें फैमिली को हैप्पी हुई है, तो इसने बाय कर रखा है और ले रखा है, ठीक है। तो ये इस तरह का बिजनेस मॉडल है। तो इसमें जाके आप इस पर देखे, इसमें जाके भी जाके देख सकते हो किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह के प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। ये देखिए हमने इसमें देख लिया है, इस तरह का स्विमिंग पूल भी है कई है, तो उसको आप चार्ट में देख सकते हो, मतलब इसके जाके साइड पे देख सकते हो। इससे पहले आप देखिए इसमें थोड़ा सी बिजनेस मॉडल फंडामेंटल देख लेते हैं। फंडामेंटल की बात की जाए तो ये बॉम्बे बेस रियल इस्टेट का डेवलप, और दूसरी में है नहीं, MMR होता है, बॉम्बे मेट्रोपोलिटन रीजन, ठीक है। मार्केट कैप है 5,507.06 करोड़ का मार्केट कैप है। बाद में करंट प्राइस की बात करें तो 390 है, हाई गैस का 512 है और लो गैस 271 है। स्टॉक भी इसमें दे नहीं रखा, ROC इसका 2% है, ROE इसका 0.5% है, फेस वैल्यू इसकी 1 है, क्योंकि कोई रिटर्न तो दिया नहीं है, ये कंसोलिडेट ही फेज में चल रहा है। उसका हमने पहले एक देखा था, उसका था वो नेगेटिव में दिखाई दे रहा था। दूसरी कंपनी के इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं कि किस तरह से इसके
क्वार्टरली रिजल्ट है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो सेल एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट देखेंगे, जून सितंबर दिसंबर का देखेंगे तो जून का कितना 70 है, बाद में सितंबर का 24 है, बाद में दिसंबर का 42 के लगभग। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 78 है, बाद में 39 है, बाद में 57 है, इस तरह का इसके एक्सपेंडिचर है, पहले वाले से बढ़ के आया है। अदर इनकम का सोर्स की बात करें तो 11 था, बाद में 19 अदर इनकम का सोर्स भी बढ़ के आया है। अब नेट प्रॉफिट की बात करें तो पहले देखो 6 करोड़ का माइनस में था, बाद में 13 हो गया, बाद में माइनस में अभी देखोगे तो माइनस में तो थोड़ा बहुत कम हुआ, इसीलिए हमने डिस्कस किया था। देखिए कोई भी स्टॉक मान लीजिए 200 करोड़ का नेगेटिव में है, तो अगर वो नेक्स्ट क्वार्टर में 100 करोड़ का भी नेगेटिव में रहता है तो वहाँ पर भी अपने को रिवर्स होने की मतलब एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है कि इसका इंप्रूवमेंट हो रहा है क्वार्टरली रिजल्ट में, इसको पॉजिटिव ले सकता है मार्केट। अब देखिए बैलेंस शीट की बात करें, इक्विटी कैपिटल कितना है 14 करोड़ का है, बाद में रिजर्व इसके पास में 2736 है, बोरोइंग की बात करें तो 626 है, और अदर लाइबिलिटीज़ हो गया, असेट हो गया। अब अपन बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास में देखिए 63% की होल्डिंग है, FIs की 20% है, DIs की 7% है, पब्लिक की इसमें होल्डिंग है 9% के लगभग, और 39,000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। अब वापस आ जाते हैं अपन टेक्निकल चार्ट पे। टेक्निकल चार्ट को हम ज़्यादा मतलब कि वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे, ज़्यादा इसमें है नहीं अभी, प्रेजेंट टाइम में जो भी दिखाई दे रहा है वही हम देखेंगे कि मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पर कोई भी बाइंग टीआरसी भी देता है तब इसमें बाइंग कर सकते हैं, नहीं तो इसमें अभी प्रेजेंट टाइम में कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती। एक बार हम देख लेते हैं कि किस तरह से 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट कहाँ पर ले रहा है, उसका भी एक बार थोड़ा सी 200 मूविंग एवरेज हम एक बार वो देखना थोड़ा सा अच्छा रहता है। 200 मूविंग एवरेज, एक सेकेंड, एक बार हम 200 मूविंग एवरेज लगा लेते हैं जिससे अपने को थोड़ा सी और क्लियर हो जाएगा। तो ये 200 मूविंग एवरेज इसमें, हाँ अब देखिए डेली टाइम फ्रेम का देखते हैं पहले। डेली टाइम फ्रेम में क्या है, देखो इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया है, और एक हमने पहले डिस्कस किया था कि थोड़ा एक इसका यहाँ पर सपोर्ट है। देखो मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक इसका सपोर्ट ले रखा है अभी 200 मूविंग एवरेज का, और ये रीजन सपोर्ट कौन सा है ये आपको मैं बता देता हूँ। सपोर्ट कौन सा बना हुआ है ये, अगर मंथली टाइम फ्रेम में जाते हैं तो पहले एक यहाँ पर रेजिस्टेंस था, तो वो सपोर्ट का काम, हाँ ये देखिए यहाँ पर क्या है, इस लेवल पर एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, तो ये डबल बॉटम पैटर्न बन के फिर ऊपर की तरफ गया, डब्लू पैटर्न बन के, तो एक रेजिस्टेंस था, वो सपोर्ट का काम प्रेजेंट टाइम में कर सकता है, लेकिन इसका थोड़ा सी अगर यहाँ पर हो कोई हैमर कैंडलस्टिक नेक्स्ट मंथ बनना चाहिए, अगर नहीं बनता है तो सबसे बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी इस लेवल पर होगी जहाँ से दो बार टेस्ट होकर के गया तो हो सकता है तीसरी बार कर जाए। जब तक इस एंगल के अंदर है, ट्रेंगल पैटर्न के अंदर है, तब तक जब इस ट्रेंगल पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तभी अच्छा मूवमेंट आ सकता है, नहीं तो इस रेंज के अंदर जब कंसोलिडेट कर सकता है इस रेंज के अंदर, तब तक कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। यहाँ पर केवल एक स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से इस पे लेवल पे आके कोई बाइंग टीआरसी भी देता है तो